नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं अक्षय विधवा, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस, और लेकर आए हैं आपके लिए हमारी खास पेशकश। बात होगी छत्तीसगढ़ के एक बड़े मुद्दे की। भले ही छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी बचा हो, लेकिन बीजेपी पुरानी गलतियों को दूर करने और पार्टी के दिग्गज नेता मंथन और शो करने के बजाय बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मजबूत करने में जुट गए हैं। वहीं केंद्रीय नेताओं के छत्तीसगढ़ आने को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर भी जारी है। पूरी खबर को देखिए इस रिपोर्ट में, बाद में चर्चा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। जेपी नड्डा सुबह 11 बजे रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर यहां से एकात्म परिसर तक रोड शो करेंगे। इधर नड्डा के दौरे से छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच खूब बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस लगातार नड्डा के दौरे को लेकर सवाल खड़े कर रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार करने में देर नहीं लगा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद 2 साल बाद जेपी नड्डा का ये पहला छत्तीसगढ़ दौरा होगा। बीजेपी नड्डा के दौरे बहाने ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस नड्डा के दौरे को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बहुत ही हास्यास्पद और आश्चर्यजनक बात है कि बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने, प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। अमूमन ऐसा नहीं होता, ये काम जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष का होता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मृत परिस्थिति में है। बीजेपी के अस्तित्व को बचाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष निचले स्तर तक उतर आई है। बीजेपी की कोई भी संगठनात्मक गतिविधि भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी को चुनौती देने में कामयाब नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने भरोसा खो दिया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ भेदभाव किया, अन्याय कर बीजेपी के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो उन्हें छत्तीसगढ़ की जनता को जवाब देना चाहिए। केंद्र छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी इतना ज्यादा कमजोर हो चुकी है, सांगठनिक रूप से इतना ज्यादा लचर हो चुकी है कि यहाँ पे बूथ के कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के लिए स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है। इधर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का बूथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद को प्रजातंत्र की खूबसूरती बता रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का कहना है कि 9 सितंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं का एक महासम्मेलन होगा, उसमें हमारे बूथ के अध्यक्ष, शक्ति केंद्र की संरचना और ऊपर लेयर के जितने पदाधिकारी हैं, सभी इसमें भाग लेंगे। कार्यकर्ताओं का एक महाकुंभ, महासम्मेलन साइंस कॉलेज मैदान में कल होने वाला है कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक मतदान केंद्र के अध्यक्ष से, बूथ के अध्यक्ष से सीधी बात करते हैं। ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। सियासी बयानबाजी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का छत्तीसगढ़ दौरा प्रदेश बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ये देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा 14 सीटों पर सिमटी बीजेपी के लिए क्या संजीवनी साबित होगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो आइए चर्चा की शुरुआत भी की जाए। तो इस वक्त चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी की ओर से बीजेपी प्रवक्ता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी का स्वागत स्वराज एक्सप्रेस में। राजीव चक्रवर्ती जी, पहला सवाल आपसे ये कि जोर आजमाइश तो शुरू हो ही जाती है, हम मिशन 2023 की तैयारियां कर रहे हैं, देश भर से एक नए चुनाव में जाने वाला है, लेकिन सवाल यह है कि इस नए चुनाव की तरफ जब हम जाएंगे, जब देश जा रहा है, हम देख रहे हैं कि और खासतौर से छत्तीसगढ़ को मैं उन प्रदेशों में शामिल कर रहा हूं जो बीजेपी की रीत से बाहर है, तो इसीलिए खासतौर पर ज्यादा मेहनत है आपके केंद्रीय नेतृत्व के, केंद्रीय नेताओं के बहुत सारे दौरे भी लगातार लग रहे हैं इन दिनों छत्तीसगढ़ में, और एक नए तरह की एक्सरसाइज है। जी बिल्कुल अक्षय जी, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, और जो जेपी नड्डा जी आ रहे हैं आदरणीय जी, तो उनके साथ बहुत ये खुशी की बात है कि वो पहले छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे,
और मुख्यतः वे सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और अध्यक्ष बनने के बाद उनका प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन हो रहा है और कोई भी पार्टी का जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यतः सभी जगह दौरे करते हैं, उनका प्रवास रहता है जी। तो ये आप अगर इसे समझे कि चुनावी दौरा, तो ये चुनावी दौरा कतई नहीं है, वो एक एक्सरसाइज है जो आमतौर पे एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वो हर प्रदेश के प्रवास में रहता है, पार्टी की रीति नीति को जन जन तक पहुंचाने के लिए पार्टी लीडर के साथ उसका कम्युनिकेशन होता है। तो उसी के तहत जेपी नड्डा जी आ रहे हैं कल साइंस कॉलेज, पहले तो शहर में उनका रोड शो होगा और 2 बजे से मंडल स्तर और जो हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख होते हैं और जो हमारे वार्ड की इकाई होती है, जो सबसे अंतिम इकाई होती है, सबके साथ वो बैठेंगे और कार्यकर्ता एक वृहद कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। तो कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, नेताओं में बहुत उत्साह है और जनता के अंदर भी बहुत जिज्ञासा है कि सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और जो पार्टी की रीति नीति है, देश की रीति नीति है, इसके बारे में संवाद करेंगे। तो संवाद सबसे उचित माध्यम होता है, तो सारे कार्यकर्ता बहुत खुश है, एक खुशी की लहर चल रही है और तैयारी चल रही है। मैं भी अभी एक तैयारी करके आ रहा हूं। किस तरह के कार्यक्रम हैं, क्या क्या प्रोग्रामिंग है, अगर क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, बड़ी बात है, प्रदेश में बहुत उत्साह होने वाला है, कार्यक्रम क्या होंगे और उद्देश्य क्या है? जी देखिए, उद्देश्य जो रहता है, भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है, सत्ता रहे न रहे, कि हमारा मूल उद्देश्य है कि भारत माँ को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो राष्ट्रवाद का जो अंगीकरण था कि सक्षम राष्ट्रवाद हो, और पंडित दीनदयाल जी के जो जो उद्देश्य था कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सत्ता का लाभ पहुंचे या अंत्योदय की योजना जन जन तक पहुंचे, ये उद्देश्य रहता है। और जो बाबा अम्बेडकर की जो भावना थी कि सब हम सब एक रहे राष्ट्र के बारे में और संविधान के तहत हम इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण में जोड़े, वही उद्देश्य है। उसके अलग अलग सोपान होते हैं, अलग अलग बिंदु होते हैं। तो वही नड्डा जी आ रहे हैं पार्टी की रीति नीति को लेके, सरकार की सफलता को लेके, और जो यहाँ पर जो सरकार है उसकी जो वादा खिलाफी है उसको लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ उनका संवाद होगा, एक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं के शर्मा जी। शर्मा जी, ये जो बीजेपी की नई नीतियां हैं, नए तरीके का जो एक विस्तारवाद अपना रही है पार्टी को लेकर बीजेपी, कितना सफल होने की उम्मीद है? क्या मानसिक पटल जो है मतदाताओं का, बीजेपी की जो छत्तीसगढ़ की प्रजा है, जनता है, उसका क्या रहने वाला है? कि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भाजपा के 14 विधायक हैं और कांग्रेस के 71 विधायक, सत्ता तक पहुंचना, 46 विधायक तक पहुंचना, ये एक कठिन रास्ता है। इसके लिए पूरी तरह से राष्ट्रीय नेतृत्व तो भाजपा के छत्तीसगढ़ पर केंद्रित किए हुए है, चाहे पे केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो चला, 10 आकांक्षी जिलों के में विकास के माध्यम से जो लगातार सक्रिय रहे, और इसके साथ ही जो केंद्रीय के आधार पर चल रहे तो उस लोकसभा क्षेत्र है जहां पे भाजपा हारी है, तो वहां भी इनका केंद्रीय 2024 के आधार पर वहां तैयारी के लिए नेता आते रहे। तो लगातार यहाँ पे जो परिवर्तन का दौर संगठन में लगातार देख रहे हैं कि प्रदेशाध्यक्ष बदल दिए गए, नेता प्रतिपक्ष बदल दिए गए, प्रभारी नए आ गए, तो पूरा कुल मिला के भाजपा छत्तीसगढ़ को किसी भी हाल में सत्ता प्राप्त करने की एक लालसा दिखाई दे रही है और जो क्या मार्गदर्शन देके जाएंगे कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह आएगा, एक उत्साह उन्होंने अभी बात भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं से करेंगे तो बेरोजगारी मुद्दे को लेकर जो इन्होंने प्रदर्शन किया उसमें एक उत्साह का संचार हुआ है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं तो क्या ये जो उत्साह है उसमें और जो मार्गदर्शन जो विषय लेके आएंगे केंद्र सरकार की उपलब्धियों को चाहे राज्य सरकार की नाकामियों उसको जब कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे तो जनता में क्या होगा, जनता क्या भूपेश बघेल के जो स्थानीय मुद्दा है, न्याय योजना है, इन सबसे बाहर निकल करके भाजपा की ओर आकर्षित होगी, ये एक बड़ा विषय रहेगा। कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो संदेश मिलेगा वो जनता तक पहुंचाने में कितना सफल होंगे कार्यकर्ता, ये एक बड़ा विषय रहेगा जी। ये भी नहीं भूलना चाहिए सुरेंद्र वर्मा जी, ये भी तो नहीं भूलना चाहिए सरकार, वर्मा जी सरकार ने जो काम किए हैं वो भी तो जनता देखेगी ना। आप वही बात जी, वही मैं कह रहा हूँ कि नया योजना बहुत सारे, राजीव गांधी किसान न्याय योजना जैसे मान ले जाए, अभी मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि 2840 रुपया देंगे चुनावी वर्ग में। ठीक है, ठीक है शर्मा जी, मेरा सवाल वर्मा जी से, सुरेंद्र वर्मा जी से सवाल है। अक्षय जी, जो सामाजिक न्याय का छत्तीसगढ़ मॉडल है उसका लाभ
पूरी जनता को मिल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी शामिल है। यहाँ चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो इनपुट सब्सिडी 9,000 और 10,000 रुपए प्रति एकड़, यदि 10 एकड़ का किसान है तो उसको 90,000 से 1,00,000 रुपए एमएसपी के अतिरिक्त मिल रहा है। उसी प्रकार से भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, जो वनोपजों का संग्रहण 600 गुना बढ़ा है, जो वहां के वनोपजों के दाम जो बढ़े हैं, तेंदूपत्ता 2,500 से बढ़ा के 4,000, बहुआ 17 में खरीदते थे आज 34 है, तो तमाम योजनाओं का लाभ पूरी जनता को मिल रहा है। और भाजपा के कार्यकर्ता भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि 15 साल इनके साथ ठगी की जाती रही, लगातार इनको जलील किया जाता रहा। आपको याद होगा रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री रहते हुए रमन सिंह जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि 6 महीना कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल सरकार जाएगी। कौन नहीं जानता कि नान और धान के घोटालेबाज कौन थे, अगस्ता और पनामा में किसका नाम था, रमन मेडिकल किसका पता है, अभिषेक सिंह कौन है, और ये सारे कुकृत्य करे स्वयं भाजपा के नेता और आरोप मढ़े अपने कार्यकर्ताओं पर। तो आज भाजपा अक्षय जी जिस दौर से गुजर रही है छत्तीसगढ़ में, विश्वसनीयता का संकट है। केवल जनता नहीं, इनके अपने कार्यकर्ताओं के बीच भी इनके नेताओं की विश्वसनीयता नहीं है, ना ही इनके जो हाईकमान है, जो केंद्रीय नेतृत्व है, वो भी यहाँ के नेतृत्व को खारिज कर चुकी है। आज भी जब पत्रकार वार्ता में पुरंदेश्वरी जी से पूछा गया, बाजू में रमन सिंह जी बैठे थे जो 15 साल मुख्यमंत्री रहे, जिनके चेहरे पर 3-3 बार ये चुनाव लड़े, आज सिरे से खारिज कर दिया गया उनके नाम को भी। वो बार बार अपील करते रहे कि एक छोटा चेहरा मेरा है। तो भाजपा भी ये मान चुकी है कि जो 15 साल के कालिक हैं रमन सरकार के कुशासन में वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार के, वो धुले नहीं है। मूल बात जमीनी हकीकत से भाजपा के नेता भी परिचित है। हाल ही में जून में आपको याद होगा 22 या 27 तारीख को रमन सिंह का एक वक्तव्य आया था कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की हालत ठीक नहीं है, और उसका कारण जो है इनके लगातार 15 साल के कुशासन में की गई वादा खिलाफी है। जिस प्रकार से पिछले 3 साल में अक्षय जी 4 अध्यक्ष बदले, 5 प्रभारी आ गए, दर्जनों केंद्रीय मंत्री आए, के शर्मा जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात से विदित हैं, आईटी और ईडी भाजपा एजेंट की भूमिका में हैं, तो तमाम हथकंडे इनके फेल हो चुके हैं। और मूल संकट विश्वसनीयता का है। जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ता, आपको याद होगा 2018 में दावा किए थे 56 लाख मिस कॉल कार्यकर्ता का, 40 लाख वोट भी नहीं मिले, तो इनके तो अपने कार्यकर्ता भी आजकल इनको छत्तीसगढ़ में वोट नहीं देते। और छत्तीसगढ़ भाजपा मैं लौटता हूं, लिहाज से भाजपा के लिहाज से केवल चुनावी लाभ है। ठीक है, सैकड़ों हजारों ट्रेन पिछले 8 महीना में 5,800 फेरे ट्रेन के कैंसिल हुए। इनके नेताओं के मुंह में दही जम जाता है जब मोदी और शाह के सामने बात रखनी होती है। इनके प्रदेश अध्यक्ष सांसद हैं, बताएं कब 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 सदन में बात उठाया। ट्रेन चलेगी, वर्मा जी मैं लौटूंगा, ट्रेन चलेगी तो सुरेन जी जाएंगे उसमें बैठ के। नहीं नहीं ठीक है, राजीव चक्रवर्ती ये बताइए कि क्या वाकई में भूपेश बघेल सरकार इतनी मजबूत है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी इतनी कमजोर है, और सुरेन्द्र वर्मा जी जो कह रहे हैं इस तथ्य की भी पड़ताल करनी होगी कि आपके कार्यकर्ता ही आपको अब वोट नहीं दे रहे हैं। ये देखिए, जिस प्रकार ये मुगालते में है, जिस प्रकार ये सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है, बहुत अच्छी बात है। आप सोए रहिए, आप कछुए हैं, आप खरगोश हैं, सोए रहिए और कछुआ अपनी जीत पूरी करेगी। तो यही कांग्रेस पार्टी की रीति नीति है, हमेशा से विपक्ष को कमजोर समझना या विपक्ष के बारे में दिग्भ्रमित खबरें फैलाना। ये सारी कपोल कल्पित इनकी मैं तकरीर सुन रहा था, कोई ऐसी वाक्यात नहीं है। कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज है, बल्कि भूपेश सरकार जिस प्रकार से पत्रकारों को प्रताड़ित कर रही है, इतने प्रताड़ित कर रही है, 200 पत्रकार जेल में है, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं और हमले हो रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी डरने वाले नहीं है। मुझे याद है जब राजीव गांधी जी हंसे थे, हम तो हमारे दो अटल जी को देखकर, अडवाणी जी को देखकर, तो के शर्मा जी क्या 200 पत्रकार, कभी ऐसा नहीं होने वाला है, ये मुगालते में है। के शर्मा जी जी कहिए, कुछ बोल रहे हैं। मैंने कहा 200 पत्रकार के वाकई जेल में हैं। 200 पत्रकार जेल की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन पत्रकारों के साथ जो घटनाएं हुई है, कुछ घटनाएं हैं, लगातार घटनाएं, पत्रकार सुरक्षा कानून की बात हुई है, पहले भी भाजपा शासनकाल हो चाहे कांग्रेस शासनकाल हो, पत्रकार सुरक्षा कानून की बात छत्तीसगढ़ में लगातार उठ रही है। और रायपुर में एक बड़ा प्रदर्शन भाजपा शासन काल में हुआ था, उसके बाद घोषणा पत्र में शामिल है कांग्रेस के, लेकिन अभी तक पत्रकार सुरक्षा कानून आया नहीं है। तो ये एक बड़ा विषय तो है ही है, इसके इसके साथ ही लगा मैं क्यों
एक ये भूपेश सरकार की संदेह को जन्म देता है। बात पूरी करने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए शर्मा जी। जो घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जिन विषयों को शामिल किया, चाहे पत्रकार सुरक्षा कानून की बात करें, चाहे शराबबंदी की बात करें, चाहे भाजपा शासनकाल के 2 साल के बोनस की बात करें, ये सब मुद्दे यदि पूरे कर देती है भाजपा कांग्रेस, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस मतलब भाजपा के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी राह, क्योंकि आप देख रहे हैं उपचुनाव में भी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में लगातार कांग्रेस ने 4 सालों में एक अपना एक वजूद बनाने में सफल रही है, और भूपेश बघेल की छवि निगरी देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी उनको लगातार आमंत्रण मिल रहा है और राष्ट्रीय छवि उनकी निगरी है, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के जो छत्तीसगढ़ एक गढ़ बन चुका है उसमें किस तरह से भाजपा यहाँ पे फिर से सत्ता में आने के लिए उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कार्यकर्ताओं के साथ जनता के बीच किन विषयों को लेकर जाएंगे यह भी एक देखने के। ठीक है वर्मा जी, आप कुछ कह रहे हैं? सुरेंद्र वर्मा नहीं, अक्षय जी मेरा टर्म पूरा नहीं हुआ था, अक्षय जी मेरा टर्म पूरा नहीं हुआ, आप सुरेंद्र के पास आ गए। मुझे वो पुट की जरूरत है, वो वर्क चाहिए मुझे, जो अभी शर्मा जी ने कहा है जरा कांग्रेस दे दे फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ, पूरा समय दूंगा। वर्मा जी बोलिए। अक्षय जी 2018 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो जो वादे किए थे वो कांग्रेस सरकार का ब्लूप्रिंट है, और एक एक वादे पर हम कायम है, 26 से ज्यादा वादे पूरे हो गए हैं, बाकी भी 5 साल का जनादेश है, एक एक वादा पूरा होगा, सुन लीजिए। जहां तक पत्रकार सुरक्षा कानून की बात है, श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अधिवेशन में हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि आने वाले सत्र में वो लागू कर दिया जाएगा। ये भाजपाई जो विनोद दुआ जैसे पत्रकार, जो कप्पन जैसे, आपको याद होगा हाथरस की घटना को कवर करने वाले पत्रकार पर ये राष्ट्रद्रोह का राजद्रोह का आरोप लगाते करते हैं, ये किस कमेटी बना देंगे साहब, कमेटी समय में पत्रकारों को मारा जाता था, कमेटी की परिसर की घटना कमेटी की शर्मा जी है वरिष्ठ पत्रकार, कितने बार भाजपाइयों ने पत्रकारों को मारा, कमल शर्मा को मारा कांग्रेस के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है, कांग्रेस के लोगों ने किया पत्रकार सुरक्षा कानून, और वो लाके लेंगे आने वाले छोटी बच्ची को उठा लिया गया और थाने में पिटाई की गई जायसवाल परिवार सरकार के, आप क्या कैसे बात नहीं होगी अक्षय जी, ये अपने समय में बोले। ठीक है चलिए, आप बोलिए मैं रोक नहीं रहा हूँ। ठीक है मैं लौटता हूँ। चक्रवर्ती साहब का समय कुछ रह गया था, राजीव चक्रवर्ती कुछ कह रहे थे, मैं बीच में पत्रकार की जो चर्चा निकली जेल वाली, तो मैं शर्मा जी को बीच में ले आया था। जी राजीव चक्रवर्ती करिए अपनी बात पूरी। आप वो 200 का भी झूठ है जी, तो देखिए जिस प्रकार से ये झूठ कहते हैं, चारों तरफ आप जितने भी जिले में जाएंगे, अगर कांग्रेस की प्रोपोगंडा कर रहा है, अगर कांग्रेस की स्तुतिगान, राहुल गांधी की स्तुतिगान, भूपेश बघेल की स्तुतिगान होगी तो वो पत्रकार है, अन्यथा उस पत्रकार के साथ वो दुर्व्यवहार होता है, वो मानसिक प्रताड़ना होती है कि इतिहास गवाह है। ये 1974 में जिस प्रकार से कांग्रेस ने बिजली काटी थी, प्रेस की जिस प्रकार से आपातकाल लगाया था, उसी प्रकार से कांग्रेस पॉइंट यही नहीं, और हमारे जेपी नड्डा जी आ रहे हैं चर्चा में इस पर बात कर रहे हैं, तो जेपी नड्डा जी आ रहे हैं अक्षय जी, तो बहुत खुशी की बात है, और जेपी नड्डा जी यहाँ के राजनीतिक वातावरण से, यहाँ से पूरी तरह से वाकिफ है, क्योंकि वो बहुत वर्षों तक छत्तीसगढ़ में उनका काम रहा है, वो यहाँ के प्रभारी थे, वो आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। जैसे मेरे मित्र कह रहे थे कि भाजपा को भाजपा के लोग ही नहीं वोट देंगे, ये बहुत हास्यास्पद है, भाजपा के लोग विपरीत परिस्थिति में नहीं, लेकिन अभी अभी शर्मा जी ने कहा ना, जानते हैं आप राजीव चक्रवर्ती, शायद आप के शर्मा जी की बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, कम से कम वो वरिष्ठ पत्रकार हैं तो आपको इस बात को स्वीकार करना होगा। के शर्मा जी ने कहा कि भाई छत्तीसगढ़ एक बड़ा गढ़ बन चुका है कांग्रेस का, भूपेश बघेल की छवि जो है वो लगातार निखर रही है, राष्ट्रीय स्वीकारोक्ति होने लगी है अब उन्हें लेकर, जी अब मैं बता स्तर पर भी जी अक्षय जी 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 मुश्किल है छत्तीसगढ़ की, मुश्किल है बीजेपी, स्वीकार करता हूँ कि मध्य, हाँ सुन लीजिए ना, मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना, आप पूरी बात सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस का गढ़ था बहुत पुराना, मध्य प्रदेश में भी सरकारें बनती थी छत्तीसगढ़ के भरोसे में, वो तो था, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं, लेकिन उस गढ़ को भारतीय जनता पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं ने तोड़ा था, और जो 3 मैंडेट मिला था वो 3 मैंडेट मिला था इसी जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, कि कांग्रेस का गढ़ तोड़कर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा पताका फहराया गया था, मैं तो स्वीकार करता हूं, और आज भी उनको अच्छा मैंडेट मिला,
उस मैंडेट को भी हम वापस तोड़कर वापस भारतीय जनता पार्टी के विजयी पताका को फहराएंगे। ये मेरा आपके लोकप्रिय चैनल में यह दावा है और वो दावा इसीलिए है कि इतिहास दोहराता है। किसी समय जोगी जी का शासन था, हमारे 12 विधायक चले गए थे तो जोगी जी के लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ से भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है, कभी नहीं आएगी, हमने उसे दफना दिया है। और जैसे कलम जो कवासी लखमा जी कह रहे थे कि भाजपा मुक्त छत्तीसगढ़ बनाएंगे, तो ये सारी जो दंभ की बातें हैं, ये जो अहंकार की बातें हैं, उस समय भी कही गई थी, लेकिन इतिहास दोहराता है तो 2002 का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी, जनता त्रस्त हो चुकी है अपराधीकरण से, जनता त्रस्त हो चुकी है शराबखोरी से, शराब की नदियां बह रही है, अपराध का बड़ा गढ़ बन चुका छत्तीसगढ़, नौकरियां नहीं है, झूठे आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इसीलिए नड्डा जी के आगमन के बाद एक बहुत उत्साह है, एक उम्मीद की किरण है और उत्साह और उम्मीद मिलकर एक नई रोशनी फैलेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और सबसे बड़ी बात की जनता के मन में भी एक सवाल आया है कि जनता भी उकता चुकी है, जनता भी पस्त हो चुकी है, गड्ढे सड़कों से, अंधकारमय सड़कों से, स्ट्रीट लाइट नहीं है, पानी का ठिकाना नहीं है, बिजली का ठिकाना नहीं है गांव में। राजीव चक्रवर्ती जी, मैं इस पर पूरा डिटेल ले लेता हूं। आप जो देखिए, जब भी पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं तो राजनीति होती है, वरिष्ठ पत्रकार को साथ में लिए इसलिए जाता है कि हम बैलेंस करके चलें। शर्मा जी, क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में स्थिति है जो राजीव चक्रवर्ती कह रहे हैं कि जनता वाकई में उकता चुकी है? हम अगर कांग्रेस के शासन काल की या भूपेश बघेल सरकार की, क्योंकि हम चर्चा हमारे दर्शकों को हम बार बार बता दें, हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं बीजेपी के, जान फूंकने के लिए संगठन में, दलबल में क्या बदलाव होने वाला? तो के शर्मा, ये बताइए कि आखिर है क्या, क्या वाकई में जनता त्रस्त है छत्तीसगढ़ में, या बीजेपी के पास कुछ है गिनाने के लिए? जनता अभी भूपेश बघेल के साथ है, ये तो उपचुनाव चाहे खैरागढ़ का चुनाव हो उसको ले, या उसके पहले के चुनाव ले ले, तीन विधानसभा उपचुनाव हो, नगरी निकाय हो, चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, उसमें अलग कारण है कि किस प्रकार से वो प्रशासनिक उपयोग किया, ये आरोप भाजपा का अलग थे, लेकिन रिजल्ट कोई ओरिएंटेड वर्ग की बात करेंगे तो रिजल्ट अभी कांग्रेस के पक्ष में रहा है। अब जो काम करना है कि केंद्रीय नेतृत्व जब यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं तो किस तरह से 14 को 40 ले जाने की बात है, और जहां तक कांग्रेस मुक्त की बात राष्ट्रीय स्तर पे हो रही है और भाजपा मुक्त की बात यहाँ हो रही है, तो भाजपा यहाँ 14 विधायक है और यहाँ पे 14 से उनको 40 तक कम से कम जाना है। और दूसरी तरफ देखेंगे 10% वोट का अंतर रहा है, 43% कांग्रेस का है और 33% बीजेपी का है, तो ये वोट 10% के गैप को भरते हुए आगे जाना ये भाजपा के लिए मुश्किल है। कहीं ना कहीं भाजपा कमजोर है, तभी केंद्रीय नेतृत्व पूरी तरह से यहाँ पे अपने ताकत झोंक रही है। अब देखना है, अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं, प्रधानमंत्री का भी दौरा कार्यक्रम करें, पार्टी संगठन जो है उसको सक्रिय करके जनता के बीच जब जाएंगे, जनता के बीच किन विषयों को लेकर जाएंगे, भूपेश बघेल अभी जनता के बीच है, मेल मुलाकात भेंट मुलाकात का दौर चल ही रहा है, जिला का वो निर्माण कर चुके हुए अपने रास्ते में, जो उनको चलना उस रास्ते पे चल रहे हैं, अब भाजपा उसमें कितने गड्ढे निकालती है उस रास्ते में, और जनता का मोह भंग करना भूपेश से और सत्ता में आना, ये एक भाजपा के लिए चुनौती। लेकिन ठीक है, जब भाजपा के लिए चुनौती है ये एक अलग बात है, लेकिन हमें इस बात पर भी गौर करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी एक बड़ी पार्टी है देश भर में। के शर्मा, जो आप कह रहे हैं, बहुत कम स्टेट्स ऐसे बचे हुए हैं जहां पर अभी कांग्रेस का शासन है, गिनती पर आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। बीजेपी जो स्वप्न लेकर चली थी कि पूरे देश का हम भगवाकरण कर देंगे, वो सपना सच होता तो नजर आ रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, ये अलग बात है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दो राज्य बचे हुए हैं जहां पे, लेकिन राजस्थान परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। अगर आप राजस्थान की बात करें और अगर आप ये बात करें, अगर आप छत्तीसगढ़ की बात करें, तो दोनों की जमीनी स्थिति हकीकत में बहुत फर्क है। वहां आप राजस्थान की आवाम को देख लीजिए, जनता को देख लीजिए, वो वहां उतनी संतुष्ट नजर नहीं आती है। अभी भी बीजेपी के पास राजस्थान में बहुत कुछ है। ये बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं आप, सरकार के अगेंस्ट राजस्थान से ज्यादा मजबूत छत्तीसगढ़ में है कांग्रेस, ये कहा जा सकता है। मैं भी यही कह रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में, लेकिन ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर पहुंच रहे हैं छत्तीसगढ़, बीजेपी की पूरी संगठन में एक नया बल आएगा, नई नई कोशिश होगी जान फूंकने की। और वैसे भी जैसा अभी आपने खुद ने कहा कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उनकी अपनी छवि लगातार निखर रही है राष्ट्रीय स्तर पर। आज वो राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च कर रहे हैं, जनसंपर्क यात्रा में, अभी हमने दोनों को नारियल पानी पीते हुए भी देखा, कहीं साउथ में थे वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग बात है, वाकई में ये है कि अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी को फिर से जान फूंकनी है तो उन्हें पता नहीं कौन सी अभी
कोई जड़ी की जरूरत है, कोई अमर जड़ी की जरूरत है, क्योंकि जनता है वो सब जानती है, जनता जनार्दन है। फिर भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं राजीव चक्रवर्ती, एक अच्छा संगठन है और छत्तीसगढ़ में नई जान फूंके, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। समय भी मेरा समाप्ति की ओर है। कांग्रेस प्रवक्ता आप सुरेंद्र वर्मा, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार और राजीव चक्रवर्ती बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कीमती समय देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।